इधर सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा 6 जिलों का खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव की भी शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनीता डांगी पहुंची। वह उनके साथ पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनीता डांगी ने तैयारी का जायजा लेने के बाद प्रेस वार्ता की और कार्यक्रम की जानकारी दी। जी, और जिलों में भी करेंगे हम। बहुत सी संख्या में हमारी महिला खिलाड़ी हैं, सभी लड़कियां तो इंटरनेशनल नहीं हो पाती है, सभी लड़कियां सम्मानित भी नहीं हो पाती है, किन्हीं कारणों से अगर वो पीछे रह जाती हैं, लेकिन वो अभ्यास तो सारा साल करती हैं और बहुत सी बेटियां बहुत से मेडल सारा साल हमारी लेकर आती हैं। और मैं भी एक खिलाड़ी रही हूँ, जूडो की कोच हूँ मैं, एज एडीपी काम करती हूँ, सम्मान समारोह में शामिल हो रही हैं। और इसके अलावा हमारी और भी प्रदेश की मुख्य महिला मोर्चा की महिलाएं और हमारी बहन श्रीमती सुनीता डांगी जी अध्यक्षा इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी भी आ रहे हैं और इसके अलावा हमारे संगठन मंत्री भी आ रहे हैं, मनिंदर नाथ शर्मा जी। ये समारोह में काफी हजारों की तादाद में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जैसा कि बहन जी ने बताया, 6 जोन में समस्त हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को बांट करके हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की का अंदाजा उसके शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से परिपक्व नागरिकों को देखकर लगाया जा सकता है। खेल हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये तभी एक साउंड माइंड, इन्हें साउंड बॉडी वाला जो धारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझ करके हमारे खिलाड़ियों के क्रमशः ओलंपिक